छिंदवाड़ा से ट्रेन सुविधा में विस्तार हुआ। छिंदवाड़ा से सिवनी, नैनपुर, जबलपुर, मंडला के अलावा इतवारी से रीवा तक के लिए सीधी ट्रेन की सौगात मिली। रीवा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया, जिसका वर्चुअल कार्यक्रम रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा से भी हुआ। यहाँ पर मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ये कार्यक्रम हुआ। इसके लिए डीआरएम नमिता त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में भाजपा और कांग्रेस के नेता भी पहुंचे, जहां एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। हम आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से नई ट्रेन की शुरुआत और झंडी दिखाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ लगाते नजर आए। इसी बीच जमकर रेलवे स्टेशन के अंदर नारेबाजी हुई। इन सबके बीच ट्रेन को हरी झंडी दिखाने में केंद्रीय प्रसारण मंत्री एल मुरुगन, डीआरएम नमिता त्रिपाठी, छिंदवाड़ा के पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, महापौर विक्रम आह के विवेक बंटी साहू उपस्थित थे। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा के इतिहास के लिए स्वर्णिम दिन है कि माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के प्रयास से जिस अवसर हमको प्राप्त हुआ कि रीवा से लेके इतवारी तक और नैनपुर से लेके छिंदवाड़ा तक की नई ब्रॉडगेज ट्रेन चलेगी, इसका पूरा प्रयास, पूरा पैसा और पूरी स्वीकृति माननीय कमलनाथ जी के द्वारा कराई गई थी। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री जी ने आकर खुद इसका शुभारंभ किया था और मैं कमलनाथ जी का आभारी, जिले की जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ और आज आए हुए सभी लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ कि छिंदवाड़ा को ये सौगात दी। आप सबका धन्यवाद। पूरी जानकारी है इसके 68 करोड़ के जो पुल पुली है छिंदवाड़ा से लेकर चिड़ी तक के, उसका भूमि पूजन मैंने स्वयं ने किया था और ये सारा पैसा कमलनाथ जी ने दिलवाया हुआ है। मैं मंत्री भी था, विधायक भी था और भाजपा को तो ये है कि फसल हमने वही फसल काट हो रहे हैं। इस पूरी सौगात का श्रेय मैं माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को देना चाहता हूँ। आज से 14 वर्ष पूर्व आदरणीय कमलनाथ जी की उपस्थिति में और केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी की उपस्थिति और आदरणीय दीपक सक्सेना जी, उस समय विधायक थे, उनकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था। आज की ये सौगात जो दी है उसका श्रेय पूरी रूप से माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को जाता है और मैं शहरवासियों के इस अवसर पर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज के लिए गजानन बोरकर की रिपोर्ट।